सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज तरीक है 11 जून, ते असी हैगे मंदिर दे अंदर दिखा सकते हो मंदिर दी लोकेशन। ते जस्ट सानू इत्थे स्टे मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट 2 दिन दा रहना, देखांगे 2 तो 3 3 दिन कल दी लाडे हो गए, मतलब कल असी आए सी कि रात स्टे कीता सी घर आया नूं। ते थैंक यू, तो इन्होंने ये नंबर दिया है मुझे यहाँ का कॉल करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अगर मेरे को भी दिक्कत हो तो मेरे को पुलिस वाले की प्रोटेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। तो बहुत अच्छे लोग हैं, जस्ट उन्होंने मेरे लिए सहायता दी है। और जब आप देख रहे हो आज मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज बहुत खास दिन है जस्ट मेरे लिए। ये जो ये कपड़े आप देख रहे हो ये डाले मैंने, ये जस्ट मेरे गिफ्ट थे, किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया था जस्ट इंडिया में गुवाहाटी में, और आज उनके कपड़े आज मैंने डाले हैं। तो हम जा रहे हैं घूमने और देखते हैं यहाँ घूमने फिरने वाली कौन सी जगह। सबसे पहले यहाँ नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, और मेरे को इन्होंने कूपन दिया है ब्रेकफास्ट करने का, रात को भी किया था अभी भी करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ मार्केट घूमने, और कौन कौन सी जगह कैसी है वो सारा घुमाएंगे, फिर रात को आके मंदिर के सारे दर्शन कराएंगे। मंदिर के अंदर कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे, क्या क्या जगह। कल सैटरडे था, कल यहाँ और फ्राइडे और सैटरडे यहाँ छुट्टी होती है, तो सरकारी इनकी छुट्टी होती है, और यहाँ पे संडे की छुट्टी नहीं होती, संडे को वर्क होता है। तो लोग अभी अपने शॉप पे बैठे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से अभी रुकूँगा और देखता हूँ कितना टाइम लगता है। सो गाइस मिलते हैं, आपको दिखाते हैं मॉल। सो गाइस हम सबसे पहले जाएंगे इस्कॉन टेंपल मंदिर, और देखते हैं कितना टाइम लगता है, जस्ट पास में आ गए हैं और देखते हैं। सो गाइस ढाका के अंदर है हम, और देख रहे हैं इस्कॉन टेंपल मंदिर, बहुत चीज़ें दिखाएंगे जितनी कवर हो सकी। तो गाइज आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल मंदिर में, और देखते हैं यहाँ के क्या चीज़ें, क्या हालात होते हैं यहाँ के, और कैसे यहाँ मंदिर है, और जिस यहाँ के लोग देखते हैं। ये गाइज ये शॉप आ चुकी है इस्कॉन टेंपल मंदिर के अंदर की, देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट है हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर। ये रहा ये गाइस मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, और शिव जी की मूर्ति लगाई है, और ये मंदिर है हरे कृष्ण रामा के, ये मंदिर है आप देख सकते हो जिसमें मेरे पीछे देख रहे हो रामा का मंदिर है। और यहाँ पे कुछ ये देख How much? दादा ये डालने वाले हैं हरे कृष्ण रामा की, गाय ये 70% की है, और ये 70% की है, और ये वाली बड़ी हाउ मच 80%, ये 80% की है, और ये सारे इन्होंने रखे हुए हैं, ये सारी माला है, और यहाँ सबसे बिग रेट है, और ये भी है ये बेचते हैं यहाँ पे। सो गाइस मंदिर के अंदर मतलब टेक लिया, उसका टाइम था 12:30 1 बजे के करीब ओपन होगा वो, जस्ट दर्शन हमारे यहाँ मंदिर चले गए, दर्शन हो गए हमारे, और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, देख सकते हो यहाँ हर चीज़ खाने की। तो सर गाइस इस दुकान से हर एक सामान मिलता है, आप देख सकते हो ये भैया है सामान पैक कर रहे हैं, और ये खाने का मिलता है यहाँ से सामान, तो आप देख सकते हो यहाँ से राशन का सारा सामान सस्ता है, यू नो हर एक चीज़। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें मिल रही हैं, और ये दुकान है मिल रहा है इस दुकान के ऊपर, तो बाहर जैसे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे मंदिर पे मंदिर कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है, पर अंदर जाके मंदिर बनाए हुए, ये देखो सड़क के ऊपर ही ये केले लगे हुए हैं। जैसे पूछते हैं क्या रेट है, क्या टका से हाउ मच वन पीस हाउ मच 5% वन पीस। सो गाइस 5% का एक केला है आप देख सकते हो।
तो भाई मार्केट के अंदर के हाईवे के हालात देख सकते हो यहाँ के ढाका के, और सामने पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल भरवाया जाता है, और इस तरह के हालात देख सकते हो। और यहाँ के सो गाइस यहाँ पर ऐसे बेच रहे थे, हाउ मच 625 टका वन पीस। सो गाइस 625 रुपए का एक पीस है ये, और वो सेब पड़े हैं, और ये रोड है पूरा का पूरा देख सकते हो आप। गाइस इंडिया की तरह ही है, जैसे साइड पे एक मार्केट लग रही है, इस तरफ शॉप है, इस तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, ऐसी मार्केट है। यहाँ पे हम जा रहे हैं चाइना टाउन की ओर, देखते हैं कितना टाइम लगता है चाइना टाउन। जस्ट यहाँ की मार्केट देख सकते हो, इस मानन हो ये टी शर्ट वगैरह मिल रही है। हाउ मच 300 एंड 300 कोई भी ले सकते हो, 300 टका की है, 300 टका की है। और भी कुछ तो भाई देख सकते हो आपको, ये मार्केट है, इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये मार्केट के अंदर का सामान है, ये लगा हुआ है ढाका के अंदर, लोग बेच रहे हैं सामान, और यहाँ बिक रहा है हर चीज़। ओके सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास एक बैग आया है, ये मैंने बैग देखा है, इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट लोड है, और ये अंदर लीड है, अगर आप पावर बैंक अंदर लगा देते हो इसके, और बाहर से आप चार्जिंग कर सकते हो सामान रखने के लिए। तो ये हाँ लॉकर भी है इसमें, और ये 800 टका। सो गाइस यहाँ देखो सोने के चमचे भी हैं इनके पास, सोने का बिक रहा है सारा कुछ है यहाँ पर। गाइस ये पेट्रोल पंप पे क्रीप एंड सन का, और जस्ट यहाँ से रोड सीधा निकल रहे हैं हम, और हम जा रहे हैं मार्केट बड़े बड़े। और ये देखो बिल्डिंग देख सकते हो आप ढाका के अंदर की, और जस्ट किचन की बिल्डिंग है, ये कार वॉशिंग हो रही है, देखते हैं यहाँ क्या होता है क्या नहीं, घूमते घूमते कहाँ पर जाते हैं। सो गाइस ये 10 टके की है, और हमने लिए यहाँ से पीछे दुकान से, ये टेस्टी की है, इसका टेस्ट है नमकीन जैसे, ऐसा नमक होता है ना ऐसा। सो गाइस फ्रूट मार्केट आ चुके हैं, आप फ्रूट मिलेंगे आपको यहाँ पे, देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर फ्रूट मार्केट है, आप फ्रूट मार्केट के अंदर है। सो गाइस ये चीज़ मैंने देखी, मैंने सोचा ये मोबाइल है, बट ये मोबाइल नहीं है, ये एक लाइटर है, एक लाइटर है, और ये 300 टका का है। सो गाइज मैंने पहली बार देखा 4.5 GB, ये भी सेम है यहाँ पर 4.5 GB, और एयरटेल है, और ग्रामीण है, बहुत कंपनी है यहाँ पे, और किट्टू है सिम, ये कंपनी का ब्रांड है, ये 100 रुपये की है, और 15 दिन की वैलिडिटी है, पर ये इनकी नेशनल आईडी ही चाहिए इनमें, और इसमें इंडियन कोई अदर पासपोर्ट नहीं लगेगा। गाइज मैं चाइना टाउन में पहुँच चुका हूँ, भीड़ बहुत है मार्केट के अंदर देख सकते हो। सो गाइस चाइना टाउन में आ चुके हैं, सो गाइस चाइना टाउन के अंदर आ गए हैं, और मॉल है ये चाइना टाउन का, देख सकते हो मॉल के अंदर की मार्केट चाइना टाउन। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है, यहाँ चीज़ें उल्टी हैं गाइस, लेफ्ट क्या राइट, राइट क्या लेफ्ट, ऐसे हो रहा है, मतलब लिफ्ट चढ़ने वाली उधर से होती है, उतरने वाली इधर से होती है, इनका उल्टा है, चढ़ने वाले इधर, उतरने वाले इधर। सो चाइना टाउन के अंदर आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ के मार्केट। सो गाइस हम आए थे चाइना टाउन के अंदर, और यहाँ की मार्केटिंग दिखाते हैं, और यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस दिखा रहे हैं कि क्या क्या कौन से डलते हैं यहाँ पे, और क्या क्या लोगों के फैशन है यहाँ के बांग्लादेश ढाका। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें सारी ही ट्रेडिशनल हैं, दिखती हैं, और ये देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें हैं, और वो सामने देख सकते हो कौन कौन सी ड्रेस है। सो गाइस शॉप नेम है साबा इंटरनेशनल शॉप 2/21 #।
सो गाइस हम आए चाइना टाउन के अंदर, और जहाँ पे जैसे मॉल के अंदर आप जाते हो खाने पीने को मिलता है, वैसे ये चीज़ें मगर खाने पीने को मिलती है। शॉप है, दिखा देते हैं। ये शॉप से लिया है टेस्टी रेड या टेस्टी बड़ी, मतलब ये शॉप है, शॉप का नाम है। इस शॉप से मैंने एक बर्गर लिया है, और सामने सेवनअप है, आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मैंने 60 का लिया है, देखते हैं। सो फाइनली गाइस, ये मेरे पास बर्गर आ चुका है, और देख सकते हो आप, और ये शॉप है, ये शॉप से मैंने लिया है टेस्टी एंड राइट से, और ये शॉप का नाम है, देख सकते हो ट्रुबन, और ये बर्गर है आपका। सो गाइस, सुबह से लेकर शाम तक हम घूम रहे हैं, और जस्ट सारा जितना कवर हो सका उतना किया है, और ये ब्लॉग यहीं तक ख़त्म होगा ये वाला, और इस ब्लॉग को हम करते हैं टाटा बाय बाय। और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो देखा करो, अच्छा लगेगा आपको नए लोगों से मिलकर, नए लोगों से जुड़ के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज का हमारा सफ़र टाका का था, तो कल देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो बाय बाय, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब यू नाउ। सो गाइस, ये है टाका का प्रेसिडेंट का घर, यहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं, और देखो पीएम क्या ये घर है, और पास में प्रेसिडेंट का भी आसपास जैसे हाउस है ये बना हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ से लोग आ जा रहे हैं।